हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल की स्टडी करेंगे। इस साइकिल को अपन डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको फोटोसिंथेसिस पार्ट वन के वीडियो में बताया था कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, अंदर में मैट्रिक्स भरा होता है। इस मैट्रिक्स को अपन कहते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन यानी C3 साइकिल चलता है, डार्क रिएक्शन यानी C3 साइकिल। और यहाँ पर थायलेकोइड्स होते हैं जिनको लेमिली कहते हैं, इन लेमिली में लाइट रिएक्शन चलता है जिनको अपन जिनकी गड्डी को अपन ग्रेना कहते हैं। तो आप याद रखें, ग्रेना में यानी थायलेकोइड्स में लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलता है जिसको अपन C3 साइकिल या केल्विन साइकिल कहते हैं। आपको बता दें कि लाइट रिएक्शन जब हमने चलाया था तो इसका प्रोडक्ट बना था NADPH2। अब इस NADPH2 को हम डार्क रिएक्शन में एंटर कराएंगे और C3 साइकिल चलाएंगे। तो इस C3 साइकिल का हम अब डिटेल स्टडी कर रहे हैं कि इसमें किस तरह से रिएक्शन होता है और कौन कौन से कंपाउंड्स इसमें बनते हैं और ये C3 साइकिल क्यों कहलाता है, इसके बारे में भी हम अभी बात करने वाले हैं। तो C3 साइकिल वैसे तो एक साइकिल है, फिर भी हम इसको एक पाइप से स्टार्ट करेंगे। यहां पर एक कंपाउंड होता है रिबुलोज 5 फॉस्फेट। ये एक कंपाउंड है रिबुलोज 5 फॉस्फेट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके रिबुलोज एक शुगर है जिसके पांचवें कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि कोई भी शुगर जो होता है उसके आखिरी कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ता है, यानी कि ये शुगर जो है 5 कार्बन वाला है, इसके हम 6 मोल्स लेते हैं तो टोटल होगा यहाँ पर 30 कार्बन। तो 30 कार्बन यहाँ पर हमने यूज किया है रिबुलोज 5 फॉस्फेट लेकर के। अब सबसे पहले हम इसको एनर्जाइज करेंगे और एनर्जाइज करने के लिए हम इसमें एक और फॉस्फेट इंक्लूड करते हैं। तो एक और फॉस्फेट इंक्लूड करने पर ये हो जाता है रिबुलोज 1,5-बाई फॉस्फेट ये हो जाता है। और ये जो हमने अभी इसमें और फॉस्फेट इंक्लूड किया है, ये फॉस्फेट जो है हम ATP से लेते हैं। तो ATP से फॉस्फेट लेकर के जब हम इसमें डाल देते हैं तो ये ADP हो जाता है। 6 मॉलिक्यूल के लिए हमको 6 ATP चाहिए और 6 फॉस्फेट हमने रिबुलोज 5 फॉस्फेट में डाल दिया। तो अब ये हो गया रिबुलोज 1,5-बाई फॉस्फेट। मैंने आपको बताया है कि अगर किसी शुगर में पहला फॉस्फेट जुड़ता है तो आखिरी कार्बन पे जुड़ता है, और अगर दूसरा फॉस्फेट जुड़ता है तो दूसरा फॉस्फेट उसके पहले कार्बन पे जुड़ता है। तो अब ये हो गया रिबुलोज 1,5-बाई फॉस्फेट, इसके 6 मोल। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा वो होगा काइनेज। तो काइनेज क्या होगा, ये रिबुलोज 5 फॉस्फेट काइनेज इसका पूरा नाम होगा, क्योंकि काइनेज एंजाइम होता है जो ATP से फॉस्फेट लेकर के किसी कंपाउंड में इंक्लूड करता है। तो अब ये हो गया रिबुलोज 5 फॉस्फेट, ATP इंक्लूड करके ये हो गया ATP से फॉस्फेट लेकर के रिबुलोज 1,5-बाई फॉस्फेट, इसके 6 मॉलिक्यूल। अभी भी ये 30 कार्बन वाला कंपाउंड टोटल हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम CO2 को इंक्लूड करेंगे। 6 मॉलिक्यूल के लिए हम 6 CO2 लेते हैं। तो जब ये CO2 इंक्लूड हो जाएगा तो 6 CO2 जब इसमें इंक्लूड हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 36 कार्बन। तो 36 कार्बन वाले यहां पर हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है ग्लिसरिक एसिड, और टोटल हमारे पास 36 कार्बन है। तो 36 कार्बन होने कारण से ये यहां पर 12 मॉलिक्यूल बच जाएंगे। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसको अपन 3PGA कहते हैं, ये यहां पर 12 मॉलिक्यूल बना है। आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि इस पूरे साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं क्योंकि यहां पर 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, उसे हम कहते हैं 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है और ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है इस साइकिल का, इसलिए इसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ये C3 साइकिल है। अब इसमें हम
एक और फास्फेट इंक्लूड करते हैं और ये हो जाएगा 1,3-diphosphoglyceric acid. एक और फास्फेट हमने इंक्लूड कर दिया, फिर से हम यहाँ पर एटीपी से लेते हैं और ये फास्फेट देकर के एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। चूंकि ये 12 मॉलिक्यूल है तो हमको 12 मॉलिक्यूल एटीपी लेना पड़ता है। और फिर से यहाँ पर काइनेज एंजाइम है, जैसा कि हमने आपको बताया था, 3-phosphoglycic acid kinase, इसका पूरा नाम है 3-phosphoglycic acid kinase, और ये हो जाएगा 1,3-diphosphoglycic acid। अभी आपको एक चीज और बता दें कि हम ये फास्फेट इंक्लूड क्यों करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल जब किसी रिएक्शन में टेक पार्ट करता है तो उसको एनर्जी की जरूरत होती है। अगर हम उसमें एनर्जी इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हम उसको एनर्जेटिक करने के लिए ये फास्फेट इंक्लूड करते हैं। और ये फास्फेट हम लेते हैं एटीपी से और वो उसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो 36 कार्बन वाले कंपाउंड अभी तक हमारे पास है 1,3-diphosphoglycic acid। अब इसका हम रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन करेंगे तो जो ग्लिसरिक एसिड है ये बन जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड। तो अब ये हो जाएगा 3-phosphoglyceraldehyde, 3-phosphoglyceraldehyde ये हो गया। इसके 12 मोल हमको मिले। अब देखिए कि जब आप ग्लिसरिक एसिड को ग्लिसरल्डिहाइड में रिड्यूस करते हो तो आपको हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, और ये हाइड्रोजन हम लेते हैं NADPH2 से। आपको याद होगा कि हमने NADPH2 लाइट रिएक्शन में बनाया है, वो NADPH2 अब यहां पर यूज होगा, और यहां पर ये 1,3-diphosphoglyceric acid में इंक्लूड हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डोनेट करके ये हो जाएगा NADP, 12 मॉलिक्यूल NADP, और ये 1,3-diphosphoglyceric acid कन्वर्ट हो जाता है 3-phosphoglyceraldehyde। यहां का जो एक फास्फेट बॉन्ड है वो रिलीज हो जाता है, उसी एनर्जी को यूज करके ये कन्वर्शन हुआ है, ये जो रिएक्शन हुआ है उसी एनर्जी के कारण से हुआ है। और यहां पर जो एंजाइम यूज होता है वो होता है 3-phosphoglyceraldehyde dehydrogenase, इसलिए कि इसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये बनेगा। तो एंजाइम दोनों दिशाओं पे काम करता है, तो इसलिए हमने इसको लिखा 3-phosphoglyceraldehyde dehydrogenase, ये एंजाइम यहां पर यूज हुआ। तो टोटल अब हमारे पास मिल गए 12 मॉलिक्यूल 3-phosphoglyceraldehyde के, इसमें 36 कार्बन अभी भी है हमारे पास। अब ये जो 12 मॉलिक्यूल मिले हैं इसको हम अलग अलग जगहों पे यूज करेंगे। इसमें हम यूज करेंगे 2 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल, 2, 5, 3, 2, ये हो गया 12 मॉलिक्यूल। इसको हम अलग अलग जगहों पे यूज करेंगे। 3-phosphoglyceraldehyde के 5 मॉलिक्यूल, ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका आइसोमर है, 3-phosphoglyceraldehyde का आइसोमर है DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसके हमको 5 मॉलिक्यूल मिले, और यहां पर आइसोमेरेज एंजाइम यूज होगा। अब ये DHAP के 2 मॉलिक्यूल और 3 मॉलिक्यूल हम अलग अलग यूज करेंगे। DHAP के 3 मॉलिक्यूल और 3-phosphoglyceraldehyde के 3 मॉलिक्यूल, ये दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे, और यहां पर बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6-diphosphate, फ्रुक्टोज 1,6-diphosphate। अब देखिए कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 3-phosphoglyceraldehyde 3 मॉलिक्यूल वाला है, 3 कार्बन वाला है, 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 3 कार्बन कंपाउंड है तो इसके 3 मॉलिक्यूल हो गए 9 कार्बन, और ये 9 कार्बन तो हो गए 18 कार्बन, और ये फ्रुक्टोज जो है 6 कार्बन वाला है तो इसके मिलेंगे हमको 3 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये 6 कार्बन वाला है तो 6 × 3 = 18 हो गया, तो ये 9 और ये 9 18 कार्बन मिलकर 18 कार्बन वाले फ्रुक्टोज 1,6-diphosphate के 3 मॉलिक्यूल यहां पर बना लिए। अब देखिए यहां पर एंजाइम क्या यूज होगा, यहां पर एंजाइम यूज होता है एल्डोलेज,
एल्डोलिन, ये एंजाइम यहाँ पर यूज होता है। अब फ्रुक्टोस 1,6-डाइफॉस्फेट ये क्या करेगा, ये यहाँ पर फिर से आगे अपना एक फॉस्फेट रिलीज कर देगा और ये बन जाएगा फ्रुक्टोस 6-फॉस्फेट, ये बन जाएगा फ्रुक्टोस 6-फॉस्फेट बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट को रिलीज कर देगा। तो ये एक फॉस्फेट जो है इसको ले लेता है H2O और बना लेता है H3PO4, तीन मॉलिक्यूल H3PO4 में बदल गया और यहां पर फास्फोराइलेज एंजाइम यूज होगा, फास्फोराइलेज एंजाइम यूज होगा। तो फ्रुक्टोस 1,6 डाइफॉस्फेट के तीन मॉलिक्यूल फ्रुक्टोस 6 फॉस्फेट के तीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, तीन मॉलिक्यूल। अब ये तीन मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल अलग अलग जगह पे यूज होगा। फ्रुक्टोस 6 फॉस्फेट का वन मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के वन मॉलिक्यूल में, ये हमारा प्रोडक्ट है C3 साइकिल का। तो फिर से आपको बता देता हूं, DHAP के तीन मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड के मिलके बनाया फ्रुक्टोस 1,6 डाइफॉस्फेट के तीन मॉलिक्यूल, इस तीन मॉलिक्यूल में फिर कन्वर्शन हुआ फ्रुक्टोस 1,6 का जो है फ्रुक्टोस 6 फॉस्फेट हो गया, यानी एक फॉस्फेट रिलीज हो गया जिसको एस्टो ने रिसीव किया, इसके तीन मॉलिक्यूल मिले, तीन मॉलिक्यूल में से दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल अलग अलग यूज होंगे। फ्रुक्टोस 6 फॉस्फेट का वन मॉलिक्यूल बनाता है ग्लूकोस 6 फॉस्फेट और फिर ये बनाता है ग्लूकोस, इसमें से फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा और उसको फिर से एस्टो रिसीव करेगा। अब आगे क्या हो रहा है देखिए कि ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड के दो मॉलिक्यूल ये हम यहां पर यूज करेंगे ये ऐसा, और फ्रुक्टोस 6 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल ये हो गए चार। तो टोटल कार्बन देखिए ये हो गए 12 कार्बन और ये हो गए 6 कार्बन, 12, 6, 18 कार्बन, 18 कार्बन को हम कहां कहां यूज करेंगे देखिए, इसमें से एक बनेगा एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, ये बन गया एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, ये चार कार्बन है, और बनेगा जाइलुलोज 5-फॉस्फेट, ये जाइलुलोज 5-फॉस्फेट ये बने। तो यहां पर हमने देखा था कि 6 × 12 कार्बन यहां पर है और 3 × 6 कार्बन यहां पर है, तो 12, 6, 18 कार्बन में थे, और एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट में चार कार्बन है और जाइलुलोज 5-फॉस्फेट में 5 कार्बन है। तो ये जो है इसके दो मॉलिक्यूल हमको मिलेंगे, जाइलुलोज 5-फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल ये हो गए 5 × 10 कार्बन, और एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट के हमको दो मॉलिक्यूल, तो ये हो गए 4 × 8 मॉलिक्यूल और ये हो गए 5 × 10, 18 मॉलिक्यूल, आपको 18 मॉलिक्यूल कार्बन के मिल गए। और यहां पर जो एंजाइम यूज होगा जो ये दो कॉम्बिनेशन करेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड के दो मॉलिक्यूल और फ्रुक्टोस 6-फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल, ये दोनों को जोड़ करके फिर ये दोनों चीजें बनाने के लिए यहां पर जो एंजाइम होता है वो होता है ट्रांस कीटोलेज प्लस मैग्नीशियम है, ये दो चीजें होती है, एक तो ट्रांस कीटोलेज एंजाइम है और मैग्नीशियम आयन है, ये बना एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। अब देखिए कि एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल यहां पर लिए और दो मॉलिक्यूल हम लेते हैं ये DHAP, DHAP के दो मॉलिक्यूल, इससे बनता है सीडो हेप्टुलोज 1,7-डाइफॉस्फेट, सीडो हेप्टुलोज 1,7-डाइफॉस्फेट। चलिए कार्बन गिनते हैं, पर 4 × 2 = 8 कार्बन यहां पर है, 4 कार्बन के दो है तो 8 कार्बन ये हो गए, ठीक है, और यहां पर हो गए 3 × 2 = 6 कार्बन, 8 और 6 = 14 कार्बन, सीडो हेप्टुलोज 1,7-डाइफॉस्फेट इसके दो मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 7 कार्बन वाला ये कंपाउंड है तो ये 14 कार्बन 14 कार्बन हमको मिल गया।
तो सीडो हेप्टुलोज 17 डाइफॉस्फेट बना इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। यहां पर एल्डोलेज एंजाइम, एल्डोलेज एंजाइम यूज होता है। अब सीडो हेप्टुलोज 17 डाइफॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाता है सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में, ये कन्वर्ट हो जाता है सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के दो वाले में। और यहां पर फॉस्फेट जो निकला उसको रिसीव करता है H2O और बना देता है H3PO4। दो मॉलिक्यूल है तो दो मॉलिक्यूल हमको H3PO4 मिल गया। ट्रांसफोराइलेज एंजाइम यहां पर यूज होगा, ट्रांसफोराइलेज एंजाइम यहां पर यूज होता है। अब सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट जो कि 7 कार्बन वाला है, इसके दो मॉलिक्यूल और 3 फॉस्फोग्लिसरॉल के ये दो मॉलिक्यूल ये कॉम्बिनेशन करते हैं और फाइनली बनाते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल। और दूसरी चीजें बनाते हैं वो है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल। फिर से एक बार बता रहा हूं, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल के दो मॉलिक्यूल और सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल। 7 दोने 14 कार्बन यहां पर है और 3 दूने 6 कार्बन यहां पर है, तो 14 और 6 20 कार्बन हो गए टोटल। तो 20 कार्बन में आप देख सकते हैं कि राइबोज 5 फॉस्फेट यानी कि 5 दूने 10 कार्बन ये मिल गए दो मॉलिक्यूल और 10 कार्बन ये मिल गए दो मॉलिक्यूल जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के। अब ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो एक दूसरे के आइसोमर है, तो यहां पर आइसोमेरेज एंजाइम यूज होगा, आइसोमेरेज। तो राइबोज 5 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए राइबुलोज 5 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल में। और यहां पर आप देख सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल हमने इस दिशा से बनाया था और दो मॉलिक्यूल इस दिशा से बनाया है, तो टोटल ये 4 मॉलिक्यूल हो गए, 4 मॉलिक्यूल। तो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट हो जाते हैं राइबुलोज 5 फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल में और ये एक दूसरे के एपीमर हैं, इसलिए यहां पर एपीमेरेज एंजाइम यूज होगा, एपीमेरेज। तो इस तरह से राइबुलोज 5 फॉस्फेट के हमको 6 मॉलिक्यूल वापस मिल गए। अब यहां पर इस पूरे रिएक्शन में जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो एंजाइम है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि हम रिबुलोज 5 फॉस्फेट में 6 CO2 इंक्लूड किए हैं, तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि पहले स्टेबल कंपाउंड है 3PGA बना। यहां पर जो एंजाइम यूज होता है CO2 को फिक्स करने वाला एंजाइम होता है कार्बोक्सिलेज। मैंने अपने पहले के बहुत सारे वीडियोस हैं जो रेस्पिरेशन वगैरह है उसमें भी बताया है कि CO2 को फिक्स करने वाला एंजाइम होता है कार्बोक्सिलेज और CO2 को रिलीज करने वाला एंजाइम होता है डीकार्बोक्सिलेज। तो यहां पर चूंकि CO2 को अंदर फिक्स किया जा रहा है इसलिए एंजाइम है कार्बोक्सिलेज। और किसमें फिक्स किया जा रहा है? RuBP में, रिबुलोज बाइफॉस्फेट, रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलिन पूरा नाम है, तो इसको हम कहते हैं RuBP कार्बोक्सिलिन, ये इसका पूरा नाम है RuBP कार्बोक्सिलिन। आपको ध्यान रखना है C3 साइकिल में CO2 फिक्स करने वाला एंजाइम है RuBP कार्बोक्सिलिन, ये एंजाइम है। और किसमें फिक्स करता है? तो एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, इसमें फिक्स करता है। जब हम C4 साइकिल पढ़ते हैं तो C4 साइकिल में हम ये देखेंगे कि वहां पर जो पहली बार एंजाइम जो होता है जो CO2 को फिक्स करता है वो होता है PEP कार्बोक्सिलेज, और वहां पर जिस कंपाउंड को फिक्स करता है वो होता है PEP यानी फॉस्फोइरोल पाइरेट, जो खुद जो है 3 कार्बन कंपाउंड है। PEP कार्बोक्सिलेज 3 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसमें उस CO2 को फिक्स करता है, और उसके बाद जो कंपाउंड बनता है वो होता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, 4 कार्बन, इसलिए उस साइकिल को अपन C4 साइकिल कहते हैं। यहां पर C3 साइकिल है, C3 साइकिल इसलिए है क्योंकि पहला जो स्टेबल कंपाउंड है वो है 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि पहला स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए इसका नाम C3 साइकिल है। और यहां पर जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है RuBP कार्बोक्सिलेज जो कि रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में कार्बन को फिक्स करता है, और ये एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। C4 साइकिल में 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है जिसको फिक्स किया जाता है, उसके बाद वो 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है ऑक्सिलो एसिड के साथ, तो उसको हम C4 साइकिल में पढ़ने वाले हैं। एक बात और बता देता हूं,
कि जो C3 साइकिल में यूज हो रहा है RuBP कार्बोक्सिलेज, ये C3 साइकिल चलने पर CO2 को फिक्स करने का काम करता है। लेकिन एक प्रक्रिया और होती है जिसको आप सुने होंगे, वो होता है फोटो रेस्पायरेशन, जो कि C3 प्लांट्स में ही चलता है। एक हार्मफुल प्रोसेस है, हानिकारक प्रोसेस है, जो पौधे को नुकसान करता है। उस साइकिल में ये एंजाइम ऑक्सीजनेस का काम करता है और वहां पर हम इसको कहेंगे RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस एंजाइम। वहां पर इस एंजाइम का नाम हम रखते हैं ऑक्सीजनेस। खैर, हम उसको अपन जब फोटो रेस्पायरेशन पढ़ेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे, एक और वीडियो में लाऊंगा इस पे। अभी हम ये C3 साइकिल है, एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले है रिबुलोस 5-फॉस्फेट, इसके 6 मॉलिक्यूल हमने लिए। इसमें हमने ATP से फॉस्फेट लेके डाला, तो ये हो गया रिबुलोस 1,5-बाइफॉस्फेट, इसके 6 मॉलिक्यूल। टोटल हमारे पास 30 कार्बन है। इसमें हमने 6 CO2 को लेके फिक्स किया इस एंजाइम की सहायता से, तो ये हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल, क्योंकि 3 कार्बन वाला है तो 36 कार्बन वाला टोटल कंपाउंड हमको मिला। 3 PG फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ दिस C3 साइकिल। अब इस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में हम ATP से फॉस्फेट लेके और डालते हैं, तो ये हो जाता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने के लिए हम NADPH2 के हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे और ये हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिल्डिहाइड। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फोग्लिसरिल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, एक फॉस्फेट यूज हो गया एनर्जी में और रिलीज हो गया। इसके 12 मॉलिक्यूल आपको मिले। अब ये जो 12 मॉलिक्यूल है, इसके 2 मॉलिक्यूल 5, 3 और 2 मॉलिक्यूल अलग अलग जगहों पे यूज करेंगे। इसका जो 5 मॉलिक्यूल है, इसको हम सबसे पहले इसके आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP। ये 5 मॉलिक्यूल, इसके 5 मॉलिक्यूल में से 2 और 3 अलग अलग जगहों पे यूज करेंगे। DHAP के 3 और इसके 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ग्लिसरल्डिहाइड के 3, ये दोनों मिलकर बनाते हैं फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के 3, क्योंकि ये 6 कार्बन वाला है, तो 6 × 3 = 18, ये 18 कार्बन। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल, ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल में और अपना एक फॉस्फेट रिलीज कर दिया, जिसको H2O रिसीव करके H3PO4 बनाया, फॉस्फोराइलेशन टाइम यूज हुआ। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल अलग अलग जगह यूज होंगे। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के 1 मॉलिक्यूल से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम, फिर यहां से एक बनता है ग्लूकोज, यहां पर ट्रांसफोराइलेज एंजाइम फॉस्फेट रिलीज हो गया। ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल आपको मिला, ये C3 साइकिल का बेस प्रोडक्ट है। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल, इसके और इसके 2-2 मॉलिक्यूल यूज हुए, यूज होकर एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के 2 और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 2 ऐसे मॉलिक्यूल बनाए। एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल और DHAP के 2 मॉलिक्यूल, ये दोनों यूज होकर बनाए सीडो हेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट, ये 7 कार्बन वाला कंपाउंड है, सुगर है, सीडो हेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट, इसका एक फॉस्फेट रिलीज कर दिए, तो ये हो गया सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, जो कि H2O में चला गया और H3PO4 बना लिया। अब सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के 2 और 3-फॉस्फोग्लिसरिल्डिहाइड के 2, ये दोनों मॉलिक्यूल मिलकर के बनाए राइबुलोज 5 फॉस्फेट के 2 और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल, ये 2 और 2 मिलके हो गए 4, क्योंकि 2 पहले बनाए थे 2 बाद में बनाए, 4 मॉलिक्यूल ये जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। इसका एपीमेरेज एंजाइम की सहायता से हम इसको कन्वर्ट कर दिए रिबुलोज 5 फॉस्फेट में और राइबोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल आइसोमेरेज एंजाइम की सहायता से कन्वर्ट हो गए रिबुलोज 5 फॉस्फेट के 2, तो 2 ये और 4 ये हो गए 6, वापस हमको मिल गए 6 मॉलिक्यूल। इस तरह से C3 साइकिल कंप्लीट होता है। और अगले वीडियो में मैं आपको C4 साइकिल के बारे में बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी बजा दें, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।